हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। तो आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, जो कि आगे के पेपर्स में पूछे जाने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे दिसंबर वाले नेट के पेपर में भी पूछने के प्रोस्पेक्टस हैं। दैट्स वाई हम प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। बाई पार्ट्स में ये मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एंड इसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे जो इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेटर मॉडल प्रिडिक्स दैट चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट आर डिटरमाइंड बाय द चेंजेस इन। तो आपको ये चीज़ एक याद रखनी है कि जो मल्टीप्लायर होता है, हाँ, तो मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है ये इस तरह से होता है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो इनकम में चेंज आ रहा है वो मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ मल्टीप्लायर में लगती है। एक्सेलरेटर में इससे एकदम अपोजिट फार्मूला आपको याद रखना है। एक्सेलरेटर में इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, इनकम या आउटपुट भी इसे हम कह सकते हैं। इनकम या आउटपुट में चेंज आने से जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है उसे एक्सेलरेटर कहते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो इनकम में चेंज आता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसने बोला है कि चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट आर डिटरमाइंड बाय द चेंजेस इन, तो इनकम, अगर यहाँ पे इनकम होता तो हमें इनकम को लगाते हैं, यहाँ पे आउटपुट है सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये इसका जो है सही आंसर्स है। तो आपने याद रखना है इन दोनों का फार्मूला एकदम ऑपोजिट है, रिवर्स है एक दूसरे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके का बनेगा। आपको याद रखनी है ये चीज़ कि जब भी एमपीसी एपीसी के इक्वल होगा तो कंजम्पशन फंक्शन में जो इंटरसेप्ट टर्म होएगी वो नहीं आएगी, इंटरसेप्ट टर्म होएगी वो नहीं आएगी। इसका सेकेंड आंसर आएगा सी इक्वल टू बी वाई। ठीक है, जब भी एपीसी एंड एमपीसी इक्वल होते हैं इंटरसेप्ट टर्म नहीं आती। उसके बाद ए कंट्री कैन हैव एन इंक्रीज सरप्लस इन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एज ए रिजल्ट ऑफ, एक कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस कब होगा। कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस तब होता है जब उसके एक्सपोर्ट्स उसके इम्पोर्ट्स के मुकाबले जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर फर्स्ट नज़र आ रहा है कि सरप्लस का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स का बढ़ना इम्पोर्ट्स से, जब एक्सपोर्ट्स जो है इम्पोर्ट से बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट पे ही हमें यह मिल गया है, डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स एंड राइजिंग एक्सपोर्ट्स। आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। इन बुक्स के राइटर के नेम जो हैं, एशियन ड्रामा है, शूमपीटर की बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी है, एंड जगदीश भगवती ने जो लिखी है वो लिखी है डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एंड रुचि शर्मा की जो बुक है वो राइस एंड फेल ऑफ नेशंस है। अब यहाँ से देखें ए का फोर्थ आ रहा है, ए का आपको ये तो ऑब्वियसली याद रहेगी ना, माइडल की एशियन ड्रामा, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आपको कभी नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मैं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख दूंगी, आप इसका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद एमएनसीज का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें उसने बोला है कि एमएनसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या क्या करती हैं। सबसे पहले तो ऑब्टेन फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये बट ठीक है कि वो फॉरेन टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। रूरल अनएम्प्लॉयड लेबर को एम्प्लॉय करती हैं, नहीं करती, बिकॉज वो टेक्निकली जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर फोर्स होती है उनको एम्प्लॉय करती है। अब अनपढ़ जो होती है, अनस्किल्ड होते हैं जो रूरल लेबर अनएम्प्लॉयड लेबर ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्किल नहीं होती, इन लोगों को वो एम्प्लॉयड नहीं करते। फाइनेंस से सेविंग गैप, हाँ सेविंग गैप को तो वो फाइनेंस करते हैं, और बीओपी डेफिसिट को एमएनसीज करेक्ट करती हैं। जनरेट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय अडेप्टिंग एक्सिस्टिंग प्रोसेसेस, देखो जरूरी नहीं है कि वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करें एमएनसीज, तो इसका जो ए एंड सी वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला इसका जो है वो करेक्ट है। अच्छा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ ऑन इकोनॉमी वेजेस वर टू इंक्रीज मोर देन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। देखो अगर वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा, मतलब वर्कर्स जो हैं वो कम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वेजेस उनको ज़्यादा मिल रही हैं, यही चीज़ है ना, कि मतलब कि जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम है लेकिन वेजेस ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी, अब यहाँ से देखो अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि सप्लाई कम होगी। ठीक है, सप्लाई कम होगी,
शो, इसलिए इसका आंसर थर्ड है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल, मतलब कि जो सप्लाई कर्व है, जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी जिससे कि प्राइस लेवल पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में किसी चीज़ की तो जो प्राइस है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इन दोनों में रिलेशनशिप जो है वो कौन सा जो है ऑप्शन वो डिपिक्ट कर रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि एमपीसी अगर हायर होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लो होगी, जबकि ऐसा नहीं होता बिकॉज एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखो 1/1 - MPC ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम इसे एमपीएस की टर्म्स में लिखें तो ये इस तरह से हो जाता है। मतलब इससे क्या पता लगता है कि मल्टीप्लायर एंड एमपीएस का तो रिलेशनशिप नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का रिलेशनशिप नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मतलब हायर द एमपीसी हायर इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये चीज़ ठीक आएगी। उसके बाद उसने बोला है अगर एमपीसी 1 होता है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होती है, तो ऐसा होता है कि हम पुट करके देख लेते हैं ना, यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1/0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी ही होगी। मतलब ये चीज़ एकदम ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है अब वो क्या लगाएंगे हम, BNC सेकेंड वाला करेक्ट है। वेल मैच, इसमें से क्या निकला, लिमिट प्राइस सीरीज भगवती नहीं दी है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेल्प्स एंड फ्रीडमैन नहीं दिया है, ड्यूअल डिसीजन क्लोवर नहीं दिया, प्लान सेल्स का रोबिंसन ने नहीं दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, मैंने एक वीडियो में भी ये करवाया था कि इसका जो है एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट्स ग्रेटर देन 1 होगा तभी डीवैल्यूएशन अपना काम करेगी। मतलब उसने ये चीज़ बोली है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट कब होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट डीवैल्यूएशन तब ही कर पाएगी अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट्स 1 से ग्रेटर हो, तभी डीवैल्यूएशन का असर होगा BOP पे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन वाला, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। ये क्वेश्चन मैंने एक पूरी वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया है, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं और ये भी बताया है कि डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन का इकॉनमी पे कैसे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने बताई है कि किस तरह से US डॉलर के डेप्रिसिएट होने से इसका इंडियन करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड मतलब ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद है मर्सेंटलिस्ट, मर्सेंटलिस्ट जो है वो ट्रेड को ज़ीरो सम गेम मानते हैं, क्या मानते हैं, ज़ीरो सम गेम मानते हैं। ठीक है, ज़ीरो सम गेम वो गेम होती है जिसकी जिसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम जो है वो दोनों मिला के इक्वल टू ज़ीरो बनती हैं। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम प्लस नेगेटिव आउटकम्स इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखो जो LAF होता है ना, LAF एंड MSF में यही फ़र्क है। वैसे मैंने ये भी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के एक वीडियो में करवाया, ये भी क्वेश्चन, LAF एंड MSF में ये फ़र्क है कि जो LAF होता है ना उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। ठीक है, तो जो MSF होता है ना, जब किसी बैंक को सडन अचानक से लोन चाहिए तो रिजर्व रेशियो से भी एक फास्टेस्ट रूट होती है उसे MSF कहते हैं। ये रूट कॉस्टलियर जरूर होती है इस रूट से, लेकिन ये फास्टर होती है। जब भी बैंक्स को एमरजेंसी में लोन चाहिए होता है तब वो MSF का इंस्ट्रूमेंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करके वो लोन ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये लोन्स बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाता है बैंक को, हालांकि ये रास्ता थोड़ा महंगा होता है इस LAF वाले रास्ते से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या ठीक है और क्या गलत है, MSF इज़ ऑन द लाइन ऑफ द एक्सिस्टिंग LAF एंड इज़ पार्ट ऑफ इट, नहीं बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। LAF के दो पार्ट्स होते हैं, रिवर्स रिजर्व रेशियो एंड रिवर्स रिजर्व रेशियो, रिपो रेट। ठीक है, LAF के दो पार्ट्स होते हैं, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। ठीक है, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट इसके दो पार्ट होते हैं, MSF इसका पार्ट नहीं है। MSF कॉस्टलियर रूट है रिपोर्ट से, बिल्कुल है, अभी बताया मैंने। MSF फंक्शन एक लास्ट रिजोर्ट का काम करता है, बिल्कुल काम करता है कि जब LAF के थ्रू लोन ना मिले तो MSF एक लास्ट रिजोर्ट का ही काम करता है। और MSF लिंक्ड किससे है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक से, ये भी चीज़ ठीक है, वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज से ही लिंक करता है। इसमें BCD एकदम ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन अप्रोच जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करने की, किसने दी है, ये अलेक्जेंडर ने अप्रोच दी है, याद रखना है अलेक्जेंडर ने दी है।
अब इसमें से करेक्टली मैच क्या नहीं कर रहा, देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं इंपोर्ट हमेशा डेबिट में होते हैं, इंपोर्ट तो हमेशा डेबिट में ही होंगे करंट अकाउंट के, रेसिप्ट हमेशा क्रेडिट में होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेसिप्ट से, देखो रेसिप्ट मतलब प्राप्ति, हमें कुछ मिल रहा है ठीक है, तो प्राप्ति किस में होएगी, क्रेडिट में होएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन जो है ये डेबिट में नहीं होगी, ये क्रेडिट में होनी चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पर लगा के चलिए कि रिडम्पशन का मतलब है रिसीव्ड ठीक है, तो रिसीव्ड मतलब कुछ कंट्री में आना ना, अगर कुछ कंट्री में आएगा तो वो डेबिट में नहीं आएगा क्रेडिट में आएगा, तो ये इसका जो फोर्थ वाला राइट आंसर है। उसके बाद देखो पेरबी सिंगर जो हिपोथेसिस है इसमें अपनी थ्योरी में टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इसको कंसीडर किया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से क्या है देखो, अगर रीपेमेंट करते हैं हम पब्लिक डेब्ट के, जो हमने पहले कर्जा लिया था सरकार ने उसका वो रीपे करेगी, तो क्या वो इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी, बोरोइंग करेगी अगर पब्लिक तब ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी, या फिर जो पब्लिक है बोरोइंग करेगी बैंक्स से तब ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी, अगर वो न्यू मनी जनरेट करेगी बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए तब ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी। देखो अब ये चीज़ याद रखना, अगर वो रीपे कर रही है पब्लिक डेब्ट का गवर्नमेंट ठीक है, या किसी भी तरह से बजट डेफिसिट को वो फाइनेंस करने के लिए कहीं से भी बोरो कर रही है, तो इससे क्या है कि मनी सर्कुलेशन में रह रहा है, इंडिया का मनी इंडिया में ही रह रहा है, कंट्री का मनी कंट्री में ही सर्कुलेट हो ही जा रहा है, जिससे उसने लोन लिया था उसी को वो वापस कर रही है, कुछ भी नया नहीं ना आया, जिससे लिया था उसे वापस कर दिया ठीक है, बोरो बोरो भी कंट्री में ही वो चीज़ रह रही है, मतलब एक से कम हुआ दूसरे के पास गया ठीक है, एक के हाथ से पैसा उठ के दूसरे के पास गया, मतलब कुछ भी नया तो नहीं आ रहा ना, वही सर्कुलेशन पुराने मनी की ही, एक दूसरे बस हैंड चेंज हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी मनी की चेंज हो रही है, कुछ भी न्यू नहीं आ रहा, तो इसका सही आंसर क्रिएटिंग न्यू मनी है, बिकॉज जब भी इकोनॉमी में न्यू मनी आएगा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन तब आएगा, बिकॉज अब ओल्ड करेंसी जो है सिर्फ ओल्ड नोट्स वही नहीं रहे, न्यू नोट्स भी कंट्री में आ गए हैं, न्यू मनी सर्कुलेशन में आ गई है, अब ज़रूरी नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर इस जाने को इसको बोरो करना पड़े तो इसके हाथ में मनी बढ़ जाएगा लेकिन इसके हाथ में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, न्यू मनी आने से हो सकता है इसके हाथ में भी बढ़ा रहे इसके हाथ में भी बढ़ जाए, तो मतलब समझे ना न्यू मनी अब कंट्री में आ गया है, अब अगर एक के हाथ में पैसा कम नहीं हो जाएगा दूसरे को अगर देने के लिए ठीक है, तो न्यू मनी के आने से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होगा, जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद देखो मेन्यू कॉस्ट जो है किससे रिलेट करती हैं, मेन्यू कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ एल्टरिंग प्राइस लिस्ट से ही रिलेट करती हैं, आपको याद रखना है। अच्छा उसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फ्रीडमैन की डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, देखो ये गिल्ट एज्ड मार्केट से कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट मार्केट में एक प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ कहते हैं, और एक जो है गिल्ट एज्ड मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं ठीक है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी सिचुएशन है जब पीपल प्रेफर करते हैं होल्ड मनी रैदर देन इन्वेस्टिंग इट, उसे इन्वेस्ट नहीं करते उसे होल्ड करने के लिए प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ ठीक है बिकॉज लिक्विडिटी ट्रैप वही सिचुएशन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक्स का बहुत कम हो जाता है, तो लोग नहीं चाहते कि वो बैंक्स में डिपॉजिट करें, वो अपने हाथ में ही उसे रखते हैं पैसे को ठीक है। उसके बाद सी वाला देखो लिक्विडिटी क्रंच वो सिचुएशन है जिसमें मनी की सप्लाई जो है मनी मार्केट में वो कम हो जाती है, तो ये भी ठीक है। क्रेडिट क्रंच वो सिचुएशन है जहाँ पे लोन मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है, ये भी ठीक है। अब सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस वो सिचुएशन है व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन होल्ड इट, ये चीज़ ठीक नहीं है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है लिक्विडिटी को प्रेफर करना, मतलब कि अपने हाथ में ज़्यादा पैसे रखना ठीक है, लिक्विडिटी को प्रेफरेंस प्रेफर करना मतलब अपने हाथ में ज़्यादा पैसे रखना, तो इन्होंने तो उल्ट बोल दिया ना कि व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट नहीं जब वो अपने पास पैसे ज़्यादा रखना चाहते हैं उसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं, तो इसका ए सी एंड डी जो है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली यू लाइक दैट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले, थैंक यू।